स्टूडेंट्स, आज तक हमने जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म की, प्रोग्राम परफॉर्म किए, उन इंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि वो इंस्ट्रक्शन टॉप से लेके बॉटम तक एग्जीक्यूट होते जा रही थी। हर इंस्ट्रक्शन, एक भी इंस्ट्रक्शन उसमें की स्किप नहीं हो रही थी। तो आज हमको स्टडी करना है ब्रांचिंग और जंपिंग इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है या जंपिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है? तो याद रखिए, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को जो एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया है वहां ले जा करके जंप करती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है, अनकंडीशनल कंडीशनल। तो जब आप जंप कंडीशनल अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं जेएमपी मींस जंप इंस्ट्रक्शन। अगर मेरा कंट्रोल ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखा हुआ है जेएमपी जंप, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां जंप करना है तो वहां पर दूंगा 1005। तो इसकी वजह से क्या होगा, 1005 यहां पर एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद आपका कंट्रोल यहां जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो स्किप हो जाएगी और आपका, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है एड बी जेएमपी 1005, इस एड्रेस पे जंप करना है, ये इंस्ट्रक्शन है, तो आपका कंट्रोल यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको स्किप करेगा और यहां पर आकर जंप करेगा। तो ये है आपकी अनकंडीशनल जंपिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ये इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आती है वो है कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप में क्या होता है, देखिए आप लोगों को पता है किसी भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जब परफॉर्म होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग सेट होते हैं या रिसेट होते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो उस फ्लैग सेट और रिसेट होने की वजह से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल वो चेक करेगा कि जो फ्लैग सेट है या रिसेट है तो यहां पर कौन सी इंस्ट्रक्शन उससे एसोसिएट है, उसके बाद जाकर आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है जेसी जंप इफ कैरी, मींस अगर आपने यहां पर लिखा है जेसी 1005 तो याद रखिए कि इस इंस्ट्रक्शन में आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कैरी फ्लैग के कंटेंट चेक करेगा। अगर कैरी फ्लैग सेट है तो ये 1005 पर जंप करेगा, अगर कैरी फ्लैग रिसेट है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होंगी और उसके बाद जाके आप यहां पर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। देखिए, एक इंस्ट्रक्शन अगर आपकी कंडीशन समझ में आ गई तो सारी इंस्ट्रक्शन उसी से एसोसिएट है, सेम है, इतना है कि फ्लैग का स्टेटस बदल सकता है। अब देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है जेसी 1005, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पर ये जंप होगा, अगर ट्रू है तो। अगर ये कंडीशन मींस कैरी फ्लैग रिसेट है और ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो परफॉर्म होंगी और उसके बाद जाके आप एड बी पर जंप करेंगे। तो याद रखिए, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में अगर आपको मेमोरी एड्रेस नहीं पता है तो हम थ्योरेटिकल जब पेपर लिखते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, लेबल। तो यहां पर 1005 के ऊपर कौन सा लेबल है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है नेक्स्ट। तो हम जब तक के मेमोरी एड्रेस डिफाइन नहीं करते तब तक के हम हमारा काम लेबल से चला सकते, मींस लेबल को यूज करके फिर बाद में आप मेमोरी एड्रेस डिफाइन करो। और जब हेक्स कोड लिखना है, याद रखिए जब हेक्स कोड लिखना है आपको तो आपको यहां पर मेमोरी एड्रेस हेक्स कोड में लिखना होगा। तो इस लेबल पर हमने जंप किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो मींस कैरी फ्लैग सेट है तो। दूसरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास जेएनसी जंप इफ नो कैरी, मींस अगर यहां पर जे जंप नो कैरी, अगर कैरी फ्लैग आपका रिसेट है तो जाके जंप करो। उसके बाद नेक्स्ट जेजेड जंप इफ जीरो, अगर जीरो फ्लैग सेट है तो जाकर ये इंस्ट्रक्शन पे जंप करो, अदरवाइज ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करो। नेक्स्ट जेपी, जेपी का मीनिंग क्या होता है, अगर आपका साइन फ्लैग
रिसेट है तो, देखिए याद रखिए साइन फ्लैग अगर सेट है तो आंसर माइनस में है, साइन फ्लैग अगर रिसेट है तो आंसर पॉजिटिव है। तो जेपी मींस जंप इफ प्लस मींस अगर आपका साइन फ्लैग रिसेट है तो जंप करो। नेक्स्ट जेएम जंप इफ माइनस अगर आपका साइन फ्लैग रिसेट है तो जंप करो। नेक्स्ट जेपीओ JPO जंप ऑन ऑड पैरिटी अगर आपका पैरिटी फ्लैग रिसेट है तो जंप करो। नेक्स्ट JPE जंप ऑन इवन पैरिटी अगर आपका पैरिटी फ्लैग सेट है तो जंप करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहां जंपिंग करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, फ्लैग आपका सेट है रिसेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कराना है, कितनी इंस्ट्रक्शन स्किप कराना है, कहां जंपिंग करना है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देखे लेकिन उसमें हमने कैरी फ्लैग के कंटेंट चेक नहीं किए। तो जब आपका रिजल्ट 1 byte से 2 byte में जा रहा है तो उस सिचुएशन में वो कैरी आपको कैच करना होगा। तो ये आपको यहां पर जेसी जंप इफ कैरी अगर कैरी फ्लैग आता है तो क्या करो, नहीं आता है तो क्या करो, ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में तो हम वहां पर नंबर ऑफ प्रोग्राम परफॉर्म करके देखेंगे। और एग्जाम के अंदर भी याद रखिए कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम में यूज करना ही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसीजन मेकिंग आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए कैसे डिसीजन लेते हैं, इन कंडीशनल और अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करते हैं।